हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नया वाला डे में नया वाला ब्लॉग का शुरुआत होने जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में रहिए मेरे साथ और कुछ स्पेशल जरूर होने वाला है आज के ब्लॉग में। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए हम बता देते हैं, आई एम वैशाखी, माय चैनल नेम वैशाखी सेठ। और मेरे चैनल पे हमेशा डेली ब्लॉग, लाइफ स्टाइल, फैशन, ब्यूटी या तो फिर कुछ मोटिवेशनल थिंग्स या तो फिर ट्रेवल थिंग्स आप लोग देख पाओगे। तो हम अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट नाउ आई एम टेकिंग द बाथ आफ्टर कमिंग माई सन स्कूल, बिकॉज टूडे माई सन स्कूल फर्स्ट डे। तो वो स्कूल से आते ही, मतलब आफ्टर टेकिंग द बाथ, ही यूज्ड टू सीट विद टेक हिज लंच। तो चलिए उसको पूछते हैं फर्स्ट डे उसका स्कूल कैसे रहा, और जरूर आज का लंच कुछ स्पेशल है आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो चलिए हम बेटे के मुंह से सुन लेते हैं कि व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट डे इन हिज स्कूल। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मदर्स व्लॉग। टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माय, रुक जा थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, जस्ट वेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मदर्स व्लॉग। सो आज मैं अपना स्कूल का फर्स्ट एक्सपीरियंस शो करने वाला हूँ आप सभी, शेयर करने वाला हूँ आप सभी को। सो मेरा फर्स्ट डे का जो स्कूल था वो बहुत ही अच्छा था। हमारे जो गार्डियंस थे उन्होंने भी बहुत अच्छे करके हमको लाइन में हमारे गार्डन में लेकर गए, और वहाँ पर फाइव क्लास फाइव टू ट्वेल्व स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को प्रेयर करना था। तो वो बहुत ही अच्छा, एक एक लाइन पर हम लोगों ने किया। हम अपने सेक्शन के लाइन पर खड़े हुए, सो सब कोई बहुत सॉफ्टली प्रेयर कर रहे थे। सो आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग, एंड वेन आई वॉज मोर एक्साइटेड टू गो इन माई क्लासरूम, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी अबाउट माई क्लास टीचर्स, क्लासमेट्स, एंड आई वॉन्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। सो उसके बाद हमको लाइन करके हमारे सेक्शन और क्लास की तरफ लेकर गए हमारे क्लास टीचर्स। सो आवर क्लास टीचर इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो एवरीवन ग्रीट हर एंड आई ऑल्सो ग्रीट हर। सो मैं बैठा था फर्स्ट बेंच पे, और मेरे पास एक डाउट थी जो मैं क्लियर करना चाहता था कि यहाँ पर मीन्स फर्स्ट जो सब लोगों का होता है कि फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि बोलते हैं किसी का हेल्प करोगे तो वो आपका फ्रेंड हो जाएगा, ऐसे क्या वी टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ ए बिग स्कूल एंड वी डोंट नीड, वी शुड नॉट टॉक इन वर्नाकुलर। और वर्नाकुलर लैंग्वेज हमारे इंडिया पर है, पर थोड़े स्कूल पर वी ओनली टॉक इन इंग्लिश। सो मैंने वो किया, और वी हैड मेनी ऑफ द फ्रेंड्स। हमारे फर्स्ट टीचर हमारे मैथ्स के टीचर थे, हमारे जो क्लास टीचर थे वो मैथ्स के टीचर थे। सो फिर हमको बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया प्लेस वैल्यू ऑल्सो, प्लेस वैल्यूज। सो आई एंजॉयड दैट मोमेंट एंड दैट टाइम ऑल्सो। सो गाइस, दिस इज़ द शेयरेबल थिंग्स। बच्चे लोगों का कभी होता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है, उन लोगों का एक्सप्रेशन और जो भी उन लोगों का मतलब रहता है वो बोलने के लिए एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ख़त्म ही नहीं होता है। ये कन्वर्सेशन बहुत ही लेंदी पड़ गया, मेरे एक ब्लॉग में टाइम हम कितना मेंटेन करेंगे। वैसे आज का हम दिखाते हैं अभी हम लंच पे क्या लेने वाले हैं, चलिए देखिए। सो इसमें देखिए मेरा वन बोल लंच है, इसमें आपका टॉपिंग में है थोड़ा सा हनी, फिर इसके साथ गया आपका मस्टर्ड सॉस जो बोला जाता है, मस्टर्ड सॉस, फिर उसके साथ गया ओट्स, और ये नीचे है मेरा चिया सीड, और इसके साथ हम थोड़ा सा लेंगे ये वाला कर्ड, और इसके साथ इधर है फ्रूट्स दोनों का, मामा बेटे का दोनों का फ्रूट्स है, और इसके साथ साथ ये है, इसका खाना हो चुका है, ये ब्रेड मतलब टोस्ट खाया है विद पीनट बटर, और इसके साथ साथ ये हम एक का थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, एक पोच बनाए थे, यॉक पोच बनाए थे, तो वही ले रहे हैं। जब बोलने का टाइम आता है मेरा मुंह में अटक जाता है, तो अभी हम इसमें से कर्ड ले लेंगे और कर्ड से इसको हम बनाएंगे। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू टेक दैट गर्म पानी अलॉन्ग विद लेमन, एंड आफ्टर दैट आई यूज टू टेक कॉफी, क्योंकि कॉफी से मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। उसके बाद हम बेटे को लेकर निकल गए थे, तो फिर बेटे का स्कूल आज हाफ डे था, फर्स्ट डे था बेटे का। सो आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज उसका स्कूल का फर्स्ट डे अच्छा ही गया। तो आज हम लोग राइस नहीं लिए क्योंकि आते टाइम बहुत ही टाइम हो चुका था, तो 12:30 ऑलरेडी हो चुका था, फॉर दैट रीज़न वी आर टेकिंग माई सन को, उसको ब्रेड दे दिए और उसके साथ फ्रूट्स था और ये एक का था, तो कार्बोहाइड्रेट जो भी सिट्रक है, मिनरल्स, और उसके साथ साथ प्रोटीन सब कुछ ही मतलब मिल गया। अभी मेरे ये वाला है तो ये हम अभी खाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम आई एम पुटिंग दैट मस्टर्ड सॉस अलॉन्ग विद दिस, अभी देखते हैं ये कैसा मतलब टेस्ट आता है इसका। नीचे चिया सीड दिया हुआ है, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम। इन दिनों हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खाने के साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत मज़ा आता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट के ऊपर ही करते हैं, कभी भी मतलब जंक फूड के ऊपर नहीं करते।
इच्छा तो रहता है लेकिन लाइफ में जितना हर्डल है वो अगर हेल्दी डाइट रहेगा सो आई कैन कोप अप द एवरी सिचुएशन एंड मोमेंट, और अगर जंक फूड ज़्यादा रहेगा तो कई हद तक मतलब आई डोंट नो आप लोगों का क्या मतलब इसमें ओपिनियन होगा। और वैसे भी अभी गर्म मतलब समर सीजन गोइंग ऑन, सो कर्ड इज फॉरमोस्ट एकदम से इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। सो चलिए हम अभी खाना खा लेंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज टूडे आई एम क्रिएटिंग गुलाबी साड़ी मेकअप लुक। गुलाबी साड़ी मतलब नाउ इट इज इन द ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैव अराइज दैट वन काइंड ऑफ गुलाबी साड़ी, तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट गुलाबी साड़ी मेकअप लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी यूज वैसलीन ग्लूटा हुआ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज टूडे दैट कलर बर का ये वाला यूज करेंगे। ये है फुल कवरेज फ्लोलेस फुल कवरेज कॉन्सिलर, कलर बर फ्लोलेस फुल कवरेज कॉन्सिलर, तो ये वाला हम जल्दी से यूज करने वाले हैं। इसके बाद जो जो पोर्शन में मुझे चाहिए बस वही पोर्शन में हम देंगे। तो मेकअप करते करते आप लोगों से तो बात करना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। नाउएडेज़ क्या हो रहा है, पहले तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था वीडियो कैसे बनाएंगे कैसे क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं लाइफ में जो भी पॉइंट हो वी कांट गिव अप दैट मोमेंट। सो और जितना भी इमोशन है हम थोड़ा सा और भी मतलब स्टडी किए, उसमें स्टडी में बोला जा रहा है आप अगर IQ लेवल से देखोगे तो इसमें आपका इमोशन का कोई जगह नहीं है, आप अगर EQ लेवल से देखोगे तो उसमें आपका इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। बाहर वाले हो अंदर वाले हो जो भी आप, हम लोग इंसान हैं, इंसान सबसे बुद्धिमान है और सबसे स्वार्थ भी है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। पहले हम ये नहीं सोचते थे कि मेरा जो हो जाए हो जाए, परिवार परिवार ही होता है। रुकिए इसको हम थोड़ा सा ठीक से लगा ले, ये ना हमेशा जब भी हम मेकअप करते हैं ये थोड़ा सा खींच खींच के उड़ जाता है। तो फिर भी एक हिस्ट्री जैसे बोला जाता है राजतंत्र होता है ना, सोसाइटी में परिवार होना चाहिए, सोसाइटी का हर कोई अच्छे से रहे तभी जाके एक सोसाइटी बनता है। अगर सामने वाले ये सोचते हैं कि हम अकेले ही अच्छे रहेंगे बाकी सब मेरे नीचे रहेगा तो वो सोसाइटी उसे नहीं बनता, उसमें कलश मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वही हम साइकोलॉजिकल उस दिन देख रहे थे कि इमोशन में आपका EQ लेवल में रहना हार्मफुल होता है कभी कभार, तो वी शुड गो फॉर IQ लेवल। तो हम हमेशा की तरह पहले स्विस ब्यूटी का ये वाला हम आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लेंगे। तो बस वही हम देखे और सोचे कि हाँ सच्ची में सामने वालों को तो पता ही नहीं है कि मुझे कितना इसमें दर्द हो रहा है, कितना मतलब मेरा जाएगा तो बेकार ना, लेकिन फिर भी इमोशन है इसलिए तो हम लोग इंसान हैं। तो और आई बिलीव इन कर्मा, काम करते रहो। सो दिस इज़ वन साइड, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से करने के। दिस इज़ वन साइड एंड दिस वन अनदर साइड। वैसे जब भी सीजन चेंज होता है और ख़ास करके गर्मी के टाइम जो स्वेटिंग रहता है, स्वेटिंग के वजह से थोड़ा बहुत फेस पे पिंपल्स आ ही जाता है। जैसे कि अभी हम फैन वैन नहीं चलाए तो सो दिस इज माई लुक, आईब्रो हो गया शायद, देख लेते हैं आईब्रो कितना हुआ है। अब आई एम गोइंग टू अप्लाइंग दैट ब्लशन, तो आई एम यूजिंग दैट ये वाला लॉरियल का जो ब्लशन है। जाहिर है ये खत्म होने आए हैं लेकिन आज हम इसको ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि मुझे गुलाबी चाहिए तो इसमें पिंक टू टाइप्स ऑफ पिंक ऑलरेडी है, सो फॉर दैट रीजन आई एम पुटिंग दिस। वो आप लोग क्या बोलते हो वो जो है क्या क्या बोला जाता है, और मेरा घर फाइंडिंग अभी मतलब रेंट जो है उसका अभी भी चालू है तो उसका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरा जो लैंड मतलब जो ओनर है वो थोड़ा सा निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक सो वो भी बंदा या बंदी ढूंढ रहा है, उसको अगर उसके दाम पर बंदा या बंदी मिल जाएगा तो मुझे बोल देगा। वो लोग हमेशा रिप्लाई मांगते हैं कि अभी दो, और जब हम रिप्लाई मांगते हैं आगे होके तब बोलते हैं हाँ दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, एक दो दिन बाद देते हैं। तो फिर ऐसा ही है दुनिया में। खैर मुझे नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन हर किसी को अपना रोटी कपड़ा और मकान के लिए सोचना चाहिए आज की लाइफ में, सब कोई अपना ही सोचता है।
जितना दिन मम्मी पापा था उतना दिन लगता था कि हाँ दुनिया अच्छा है, सब कोई प्यार देता है, क्योंकि मम्मी पापा से प्यार मिलता है। जब आप अकेले सर्वाइव करने के लिए निकलते हो और खासकर आप जब मम्मी हो जाते हो, तब पता चलता है कि दुनिया क्या है। वैसे आई हैव ऑलरेडी डन माई आई शेडो लुक, और इसमें थोड़ा सा साइड पे हम ये वाला डार्क कलर डालेंगे, तो हम ये वाला ब्रश यूज करने वाले हैं डार्क कलर के लिए। आई थिंक सो हो रहा है, तो इधर थोड़ा सा पेंसिल का डालना है ताकि ये वाला कट जो है वो हट जाए। फिर इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज आईज का आईज वाला मेकअप करेंगे। बाय द वे टुडे आई एम गोइंग टू पुट दैट आई लैश, लेट मी ट्राई आफ्टर अ लॉन्ग डे। सो अगर आई लैश हो जाता है तो देखते हैं क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें ये वाला लगा लेंगे कुमकुम आदि, जो क्लासिक काजल है वो वाला है, ये आयुर्वेद का है। ये हम मतलब वो दीघा गए थे जब उधर से खरीदे थे, तो इसका मतलब लिंक हमको तो मिलने वाला है नहीं, फिर भी हम देखेंगे अगर मिलेगा तो डाल देंगे। So this is my look. So this is the adhesive. अभी हम इसको ले लेंगे. This is my eyelash. और ये वाला adhesive इसके ऊपर डालेंगे. कटन रखते हैं और उसके साथ एक वेटी कटन रखते हैं, तो पहले वेटी कटन में ऐसे कर लेते हैं फिर उसके बाद सूखा कटन पे कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है ब्रश बिल्कुल से साफ हो जाता है। फिर आप जो व्हाइट कलर हम जो बोल रहे थे वो हमको ये आईज के टी जोन के नीचे लगाना है, तो वही हम अभी करेंगे। इतना सा ले लिए और ये, तो इससे क्या होता है अलग से एक डिफाइन हो जाता है। देखो
ये वाला पैलेट हम यूज़ करते हैं फ्लो मार का। इसका प्राइस भी अच्छा खासा प्राइस लिया गया था मेरे से, हम प्राइस आप लोगों को बताते हैं कितना प्राइस था इसका। सो गाइस, ये है फ्लोर मार का आई शेडो पैलेट जो स्मोकी के ऊपर है और इसमें ब्रश भी है। इसमें जो कलर शेडिंग है वाइट, स्किन कलर, बेज कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, मॉव कलर, पीच कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, सब कलर इसमें आ जाएगा। इट्स गुड। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय हेयर। सो चलिए, कैसा हुआ मेरा आज का मेकअप जरूर बताइएगा। सो हम आउटफिट, आज का जो आउटफिट है वो पहना के आप लोगों को जरूर दिखाने वाले हैं आज का हम कौन सा वाला आउटफिट पहनने वाले हैं। आप ऐसे भी लुक बना सकते हो, इसको ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे ये लुक भी बना सकते हो। दिस इज माई टूडेज लुक। सो कैसा लग रहे हो, कैसी लग रही हूँ जरूर बताइएगा आप लोग।